लाइव में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे एमएनएस न्यूज लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। अमरावती में रीजा रही बार बालाए, पुलिस की अनदेखी, पुलिस कर रही है अनदेखी, शहर का माहौल हो रहा है खराब। सांस्कृतिक नगरी मानी जाती अम्बा नगरी में एक वीरान जगह पर बनी होटल में कई दिनों से खुले आम ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बार बालाओं का इंतजाम किए जाने की शिकायतें मिलने के बाद भी पुलिस कार्यवाही नहीं कर पा रही है। अकोला नाका स्थित कुछ होटलों में नियमों को ताक पर रखकर शहर का माहौल खराब करने का प्रयास करते हुए यह जिस्म फरोशी का धंधा बड़े पैमाने में चलाया जा रहा है। वहीं बडनेरा पुलिस व क्राइम ब्रांच जानकर भी अनजान बनी रहने की चर्चा बनी हुई है। वहीं 10 में से 12 बालाओं का समावेश है। वहीं बडनेरा रोड स्थित होटल पर एमएलए रवि राणा ने कहा कि डीजी से करेंगे शिकायत। होटलों में सेवा सुविधा के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है जो कि शहर की गरिमा संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राणा ने कहा कि इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस आयुक्त तुरंत इस कार्यवाही करेंगे। तीसरी खबर सामने आ रही है, युवक को जंजीर में बांध कर की गई हत्या। हत्या के बाद स्कूल में ले जाकर जलाया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र के पंचशील नगर स्थित सरदार पटेल संस्कृति के अंदर मंगलवार को जली हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवक को जंजीर से बांधकर हत्या के बाद शव को स्कूल के अंदर क्लासरूम में जलाए जाने की बात सामने आई हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। शव पूरी तरह से जला हुआ होने से मृतक की पहचान कर पाना पुलिस के सामने चुनौतीपूर्ण कार्य है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।